हेलो एवरी वन वेलकम टू टू डे सेन आई एम काजोल एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को डिस्कस किया था जिसमें हमने रिक्रूटमेंट के सोर्सेज को देखा था एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को हमने डिस्कस किया था और सिलेक्शन के अंदर हमने पूरा प्रोसेस देखा था सिलेक्शन का तो आई होप आप यहाँ पे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को समझ गए होंगे तो अब हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे सो बिफोर वी डाइव इन टू द टॉपिक लेट मी टेल यू दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यू जी सी नेट कॉमर्स पीजी टी कॉमर्स और फॉर डेली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन देन दीज वीडियोज आर यूजफुल फॉर यू एंड इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट अवर कोर्सिस देन यू कैन कॉन्टेक्ट टू द गिवन नंबर और यू कैन डाउनलोड द विष्णु इकोनॉमिक स्कूल ऐप सो लेट्स गेट स्टार्टड विद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तो अब यहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर पहले हम ट्रेनिंग को डिस्कस करते हैं तो अब यहाँ पे ट्रेनिंग जो है उसमें हम स्किल्स नॉलेज एंड जो एबिलिटीज़ हैं एक एम्प्लॉय की उसको हम यहाँ पे इन्हांस करते हैं उसको इम्प्रूव करने पे फोकस होता है ट्रेनिंग का मतलब यहाँ पे जो पर्पज़ है ट्रेनिंग का वो यही है कि जो एग्जिस्टिंग स्किल्स नॉलेज एंड एबिलिटीज़ हैं एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की जिसके थ्रू वो यहाँ पे अपनी जॉब्स को परफॉर्म करता है अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म कर रहा है जो ऑपरेशन वो परफॉर्म कर रहा है उनको वो और एफिशेंटली एंड इफेक्टिवली परफॉर्म करे तो ट्रेनिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की जो एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं नॉलेज हैं और एबिलिटीज़ हैं उसको इंक्रीज़ करते हैं उसको एनहानस करते हैं ताकि वो जो भी जॉब्स वो परफॉर्म कर रहे हैं जो ड्यूटीज़ वो परफॉर्म कर रहे हैं उनको वहाँ पर इफ़िशेंटली एंड इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर पाएँ और जब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे तो अब यहाँ पे जो ट्रेनिंग का बेनिफिट है वो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होता है और इम्प्लॉय के लिए भी होता है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने देखा कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एफिशिएंटली एंड अचीव हो सकते हैं ट्रेनिंग को एग्जीक्यूट करके एम्प्लॉय Employees को ट्रेन करके कि ताकि वो अपनी efficiently and effectively perform वो अपनी को को कर कर जिससे पे पे जो है अपने भी पाएगा तो अब यहां पे employees हैं उनके लिए कैसे बेनिफिशियल है ट्रेनिंग तो अब जब employee जो है वो ट्रेनिंग के थ्रू यहाँ पे न्यू नॉलेज एंड स्किल्स को गेन करते हैं तो इससे वो यहां पर जो हायर लेवल जॉब्स हैं उन पर वो अपॉइंट हो सकते हैं तो इससे यहाँ पे उनका प्रमोशन हो सकता है इसीलिए यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल होती है और एम्प्लॉइज़ के लिए भी बेनिफिशियल होती है इससे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं जिससे वो अपनी जॉब को ज़्यादा एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली परफॉर्म करते हैं और इसके थ्रू वो वहाँ पे हायर लेवल जॉब्स तक पहुँच सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं तो अब यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग हो सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है टू ट्रेन दियर एम्प्लाइज टू एनहांस द इम्प्लॉयज स्किल्स तो अब ट्रेनिंग के जो टाइप्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसमें से फर्स्ट है यहाँ पे इंडक्शन ट्रेनिंग अब यहाँ पे आपको याद होगा हमने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के अंदर ये डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं हम उनको अपॉइंट करते हैं मतलब यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको यहाँ पे क्वालिफाई करना होता है एप्लीकेंट को और उसके बाद वो अल्टीमेटली अपॉइंट हो जाता है एज एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो जब यहाँ पे वो न्यू एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उस स्टेज पर हम यहाँ पे इंडक्शन को परफॉर्म करते हैं जिसको हम ओरिएंटेशन भी बोल सकते हैं तो उस एम्प्लॉय का इंडक्शन और ओरिएंटेशन जो है उसको हम परफॉर्म करते हैं अब ये जो प्रोसेसेस हैं इनमें क्या होता है कि यहाँ पर हमें फेमिलियर कराना होता है किसी भी न्यू एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो भी ड्यूटीज या टास्क उस जॉब के अंदर उस एम्प्लॉय को परफॉर्म करने हैं वो सब यहाँ पे इंडक्शन और ओरिएंटेशन में ही हम यहाँ पे एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करते हैं तो अब यहाँ पे जो इंडक्शन है वो तब परफॉर्म होता है जब कोई न्यू एम्प्लॉय जो है वो एंटर होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तभी हम यहाँ पर ओरिएंटेशन को भी कंडक्ट करते हैं जिससे वो एम्प्लॉय जो है वो सेटल हो जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब क्योंकि वो एम्प्लॉय जो है वो न्यू है तो ऐसा हो सकता है कि उसको टाइम लगे सेटल होने के लिए तो इसी प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए हम यहाँ पे इंडक्शन को और ओरिएंटेशन को परफॉर्म करते हैं जिससे एम्प्लॉय जो है वो क्विकली फेमिलियर हो जाए ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ जो भी वर्क कल्चर है उसके साथ तो अब यहाँ पे हम इंडक्शन ट्रेनिंग किसको कहेंगे तो जब यहाँ पे कोई भी न्यू एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होगा और उसको यहाँ पे जो जॉब या टास्क परफॉर्म करने होंगे अब ताकि वो उन टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाए इसीलिए हम यहाँ पे इंडक्शन ट्रेनिंग को कंडक्ट करते हैं उस न्यू एम्प्लॉय के लिए जिसमें यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं जिसमें आ सकता है कि यहाँ पे कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज है उसको हमें यहाँ पे कन्वे करना है उससे हमें यहाँ पे ट्रेन करना है एम्प्लॉय को तो हम वो यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर तो अब यहाँ पे जो इंडक्शन ट्रेनिंग है उसके अंदर जो न्यू एम्प्लॉयी है हमें उसको फेम्यूलराइज करना है विद टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके साथ हमें फैमिलियर करना है एम्प्लॉई को उसे ये इन्फॉर्म करना है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी वहां पर जिसमें यहाँ पे आ सकता है कि प्रमोशन से रिलेटेड जो भी एस्पैक्ट्स होंगे वो यहाँ पे इन्फॉर्म करने हैं एम्प्लॉई को जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड एस्पैक्ट्स हैं वो यहाँ पे इन्फॉर्म करने हैं ताकि यहाँ पे जो भी बिजनेस रूल्स हैं जो प्रोसीजर हैं उससे यहाँ पे वो एम्प्लॉय जो है वो अवेयर हो जाए और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे फेमिलियराइज हो जाए

जनरल आइडिया है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन वो हमें यहाँ पे कन्वे करना होता है टू द न्यू एम्प्लॉय तो इसीलिए इसको हम यहाँ पे इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं कि न्यू एम्प्लॉय को हमें फेमिलराइज़ करना है ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक जनरल आइडिया जो है कि कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क करती है क्या रूल्स एंड रेगुलेशन या प्रोसीजर्स हैं वहाँ पर क्या सेफ्टी हेल्थ या प्रमोशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं वहाँ पर तो उन सबसे यहाँ पर हमें उस न्यू एम्प्लॉय को फेमिलराइज करना होता है तो इसीलिए इसको हम यहाँ पे इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय परफॉर्म होता है तो अब यहाँ पे हमने देखा था कि जो स्टाफिंग है उसके अंदर हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं इन एक्टिविटीज को तो स्टाफिंग के जो एस्पेक्ट हैं उसमें हमने देख लिया रिक्रूटमेंट सिलेक्शन और अब जो थर्ड एस्पेक्ट है स्टाफिंग का वो है यहां पे ट्रेनिंग जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये सब जो है वो स्टाफिंग के ही एस्पेक्ट्स हैं तो स्टाफिंग के अंदर हम इन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं तो इसमें ट्रेनिंग भी इंक्लूड होता है कि जब एक एम्प्लॉय जो है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं एक पर्टिकुलर पोजिशन पे तो उसके बाद अब उस एम्प्लॉय को जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करने हैं इसीलिए हम यहाँ पे उस एम्प्लॉय को ट्रेन कर रहे होते हैं ताकि वो अपनी जॉब जो है वो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाए तो इसीलिए यहाँ पे इंडक्शन ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट होती है तो अब यहां पे जो नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रेनिंग है वो है यहां पर जॉब ट्रेनिंग तो अब यहां पे जॉब ट्रेनिंग हम किसको बोलेंगे या क्या एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म होंगे जॉब ट्रेनिंग के अंदर तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय होगा उसकी जो जॉब है जो एक्चुअली उसकी ड्यूटी है जो ऑपरेशन उसे परफॉर्म करने हैं उससे रिलेटेड ट्रेनिंग यहाँ पे उस, वो एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि यहाँ पे वो जो एम्प्लॉय होगा वो एफिशिएंटली अपनी जॉब को परफॉर्म कर पाए तो अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब है सेल्स पर्सन की एक जॉब है तो अब यहाँ पे जो ऑपरेशंस यहाँ पे वो सेल्स पर्सन को परफॉर्म करने हैं लेट्स से उसको फाइव प्रोडक्ट्स को सेल करना है ये उसकी ड्यूटी है तो अब उसको कैसे उन प्रोडक्ट्स को सेल करना है क्या स्ट्रैटेजी होगी जिसके थ्रू वो यहाँ पे फाइव प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएगा इससे रिलेटेड ट्रेनिंग जो है वो उस एम्प्लॉय को देनी होगी जो यहाँ पे एज सेल्स पर्सन जो है वो वर्क कर रहा है तो इसीलिए यहाँ पे जो उस एम्प्लॉय की जॉब है वो जॉब अब कुछ भी हो सकती है फिनांस से रिलेटेड हो सकती है अकाउंटिंग से रिलेटेड हो सकती है इंजीनियरिंग हो सकती है कोई भी प्रोफेशनल जॉब हो सकती है तो उससे रिलेटेड ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पे एम्प्लॉय को देती हैं ऑर्गेनाइजेशन जॉब ट्रेनिंग के अंदर जिससे यहाँ पर वो एम्प्लॉय जो है वो अपनी जॉब को एफिशेंटली एंड इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकता है तो जब यहाँ पर हम उस पर्टिकुलर जॉब को पॉइंट ऑफ फोकस रख के एम्प्लॉई को ट्रेन करते हैं तो इसको हम यहाँ पे जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग में हमने देखा था कि यहाँ पे अभी एम्प्लॉय जो है वो अवेयर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन को लेकर वो एक न्यू एम्प्लॉयी है वहाँ पर तो हमें यहाँ पे फेमुलराइज़ करना होता है एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन को लेकर तो इसीलिए हम यहाँ पे इंडक्शन ट्रेनिंग को परफॉर्म करते हैं जिसमें हम यहाँ पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है उसको हम कन्वे करते हैं उसको हम इन्फॉर्म करते हैं उस न्यू एम्प्लॉय को ताकि वो एम्प्लॉय जो है वो क्विकली सेटल हो जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो अब यहाँ पे जो हमने जॉब ट्रेनिंग को डिस्कस किया उसमें यहाँ पे उस जॉब से रिलेटेड जो भी स्किल्स है जो नॉलेज है वो हमें यहाँ पे कन्वे करनी होती है उन उनको लेकर हमें यहाँ पे ट्रेन करना होता है उस एम्प्लॉय को ताकि वो अपनी जो जॉब है उसको एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाए नेक्स्ट टाइप है यहाँ पर प्रमोशनल ट्रेनिंग

तो अब यहाँ पे जब उस एम्प्लॉय का प्रमोशन होगा तो वो हायर लेवल जॉब्स को परफॉर्म करेगा और उस हायर लेवल जॉब को परफॉर्म करने के लिए कुछ न्यू स्किल्स और नॉलेज उसको एक्वायर करनी पड़ेंगे जिससे वो वहाँ पे उस हायर लेवल जॉब को भी परफॉर्म कर पाएगा तो इसीलिए हमें उस न्यू नॉलेज और स्किल से यहाँ पे एम्प्लॉय को ट्रेन करना होता है ताकि वो अपनी जो हायर लेवल जॉब है उसको परफॉर्म कर पाए आफ्टर प्रमोशन तो इसीलिए यहाँ पे जो प्रमोशनल ट्रेनिंग है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयीज़ को ताकि यहाँ पे जो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन हो जाएंगी एम्प्लॉय को प्रमोशन होने के बाद तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो उस हायर लेवल जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ताकि उनको वो यहाँ पे परफॉर्म कर पाए उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर पाए इसीलिए यहाँ पर वो जो प्रमोशनल ट्रेनिंग है वो इम्पॉर्टेंट होती है एम्प्लॉयज़ के लिए और तभी यहाँ पे वो एम्प्लॉय जो है वो जो उन न्यू स्किल्स को एक्वायर करके जो न्यू ड्यूटीज़ हैं जो न्यू टास्क और ऑपरेशन हैं उनको इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर पाएगा तो इसीलिए लिए यहाँ पर यही पर्पज़ होता है प्रमोशनल ट्रेनिंग का नेक्स्ट टाइप है यहाँ पर तो अब यहाँ पे जो उसकी टर्म ऑफ सर्विस है जो टर्म है उसकी वो अगर यहाँ पे लेट से फाइव इयर्स हो जाती है फाइव इयर्स से वो एम्प्लॉय जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहा है तो अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि उन फाइव इयर्स में वो एम्प्लॉय जो है वो कुछ मेथड्स जो हैं जॉब को परफॉर्म करने के उनको वो भूल गया हो या फिर उसको ठीक से वो सारे ही मेथड्स जो हैं वो रिकॉल नहीं कर पाता उसको तो इसीलिए यहाँ पे जो रिफ़्रेशर ट्रेनिंग्स हैं वो कंडक्ट होती हैं से अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि वो टू इयर्स तक उसने उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया है और उसके बाद आफ्टर वन ईयर वो दोबारा उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो वो जो गैप ईयर हुआ उसमें उस एम्प्लॉय ने कुछ मेथड्स जो हैं वो वो भूल गया होगा या या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अब जो पहले दो साल पहले वो जो मेथड्स यूज़ करती थी जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हो सकता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ गए हों और वो पुराने मेथड्स जो हैं वो उनको अब अडॉप्ट नहीं करती हो जॉब्स को एग्जीक्यूट करने के लिए तो वो जो न्यू मेथड्स अब ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए उससे यहाँ पे एम्प्लॉय को फेमुलर कराना होगा तो इसीलिए यहाँ पे जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स हैं वो कंडक्ट होती हैं ताकि वो जो नॉलेज है जो मेथड्स हैं उनको रिफ्रेश कर पाए वो एम्प्लॉय और यहाँ पे जो टास्क है उनको एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाए यहाँ पे रिफ्रेशर ट्रेनिंग में सिर्फ जो फॉरगॉटन मेथड्स होते हैं जॉब को परफॉर्म करने के उनको उनसे यहाँ पे एम्प्लॉय को फेमुलियर कराते हैं ऑर्गेनाइजेशन ताकि वो अपनी जो जॉब हैं जो ड्यूटीज़ हैं उनको इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाए तो उसी को हम यहाँ पे रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स बोलते हैं जिसमें जो भी बेसिक नॉलेज हो सकती है हो सकता है वो एम्प्लॉय उनको भूल गया हो जो बेसिक मेथड्स हैं जिसका रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे मोनोटनस वर्क वो परफॉर्म कर रहा है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो हो सकता है वो वहाँ पे कुछ मेथड्स को भूल गया हो जो वो पहले परफॉर्म करता था तो उन्हीं मेथड से उन्हीं फॉरगॉटन मेथड से उसको फेमिलियर कराने के लिए यहाँ पर रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स कंडक्ट होते हैं तो अब हमें याद रखना है कि जो इंडक्शन ट्रेनिंग है वो न्यू एम्प्लॉयज़ के साथ कंडक्ट हो रही है लेकिन जो रिफ़्रेशर ट्रेनिंग्स है वो यहाँ पे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के साथ ही कंडक्ट होते हैं और यहाँ पे प्रमोशनल ट्रेनिंग्स भी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ ही कंडक्ट होंगे जिनको हमें जिनका हमें यहाँ पे प्रमोशन करना है वही एम्प्लॉयज़ जो हैं वो प्रमोशनल ट्रेनिंग्स का पार्ट बनेंगे और यहाँ पे जो जॉब ट्रेनिंग्स हैं, वो यहाँ पे न्यू या फिर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ दोनों को ही दोनों के लिए ही कंडक्ट हो सकती है कि यहाँ पे जॉब ट्रेनिंग क्योंकि हम यहाँ पे जॉब से रिलेटेड जो एस्पैक्ट्स हैं, उनसे हम यहाँ पे ट्रेन कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज़ को तो इसीलिए यहाँ पे ये यह एग्जिस्टिंग और न्यू दोनों ही एम्प्लॉयज़ के लिए कंडक्ट हो सकती हैं आई होप आप यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग है जिसमें हमने यहां पे इंडक्शन ट्रेनिंग जॉब ट्रेनिंग प्रमोशनल ट्रेनिंग और रिफ्रेशर ट्रेनिंग को डिस्कस किया है तो आप इनको समझ गए होंगे तो अब हम यहाँ पे जो डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग है उसको डिस्कस करेंगे तो अब यहाँ पे जो ट्रेनिंग मेथड्स है वो यहां पे हो सकते हैं ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब तो अब यहां पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग हम किसको कहते हैं जिसमें यहां पे जो एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेन करते हैं एट एक्चुअल वर्क प्लेस एक्चुअल वर्क प्लेस पर यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं रियल वर्क सिचुएशंस के अंदर लेकिन जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स हैं वहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो एम्प्लॉइज़ को एक्चुअल वर्क प्लेस पर हम नहीं देते यहाँ पे जो रियल वर्क सिचुएशन है वहाँ पे हम ट्रेन नहीं करते एम्प्लॉइज़ को

एक्चुअल वर्क सिचुएशन में रियल वर्क प्लेस पर हम यहाँ पे एम्प्लॉइज़ को ट्रेन करते हैं तो अब यहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग के भी डिफरेंट मेथड्स हैं और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के भी डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर तो पहले हम यहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स को देखते हैं जिसमें से फर्स्ट यह है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग और इसको हम यहाँ पे जे भी बोल सकते हैं जे आई टी ट्रेनिंग मेथड तो अब यहाँ पे जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग में यहाँ पे जो पर्टिकुलर जॉब वो एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस जो है वो यहाँ पे जो सुपीरियर होंगे जो सुपरवाइजर्स होंगे या कोवर्कर्स होंगे यहाँ पे उस एम्प्लॉय के वो वहाँ पे एज कोच एक्ट करेंगे उस एम्प्लॉय के लिए जिसको हमें ट्रेन करना है और इसमें यहाँ पे कोवर्कर्स हो सकते हैं उस एम्प्लॉय के या सुपरवाइजर्स हो सकते हैं सुपीरियर्स हो सकते हैं तो वो इस एम्प्लॉय को यहाँ पे कि कैसे उस जॉब को परफॉर्म करना है उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो उस एम्प्लॉय को देंगे और वो एम्प्लॉय जो है वो उस जॉब को परफॉर्म करेगा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे वो कोच उस एम्प्लॉय को देंगे उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पे फॉलो करके उस एक पर्टिकुलर जॉब को यहाँ पे वो एम्प्लॉय परफॉर्म करेगा और इससे यहाँ पे वो जो एम्प्लॉय है वो ये समझ जाएगा कि कैसे उसे यहाँ पे उस जॉब को परफ़ॉर्म करना है फ्यूचर में तो यहाँ पे जैसे जो सुपीरियर्स हैं वो कोच करेंगे उस एम्प्लॉयी को और यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो उस जॉब से रिलेटेड ड्यूटी से रिलेटेड अपने तो वो एम्प्लॉय जो है उसके लिए यहाँ पे जो उसके कोवर्कर्स हैं वो एज़ कोच एक्ट करेंगे और वो उसे ये बताएंगे कि कैसे उस जॉब को परफॉर्म करना है वो इंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पर उस एम्प्लॉयी को वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके यहाँ पे उस टास्क को परफॉर्म कर पाएगा जो भी जॉब्स उसे असाइंड हैं उनको परफॉर्म कर पाएगा तो इसी को हम यहाँ पे जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं जिसमें यहाँ पे जो सुपीरियर्स हैं वो यहाँ पे एज कोच एक्ट करते हैं और वो यहाँ पे एम्प्लॉई को डायरेक्ट करते हैं इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उसको कैसे एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करना है नेक्स्ट मेथड है यहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग का कोचिंग अब यहाँ पे जो एम्प्लॉ है उसके लिए ये लर्निंग बाय डूइंग होता है यहाँ पे भी जो सुपीरियर्स होंगे वो एज कोच एक्ट करेंगे उस एम्प्लॉय के लिए और वो यहाँ पे उसको उस एम्प्लॉय को यहाँ पे कोच करेंगे कि यहाँ पे कैसे उस टास्क को परफॉर्म करना है और यहाँ पे ये वन टू वन होता है मतलब यहाँ पे एक सुपीरियर जो है वो यहाँ पे एक ही एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्ट करेगा उसी को कोच करेगा और उसी को यहाँ पे मेथड्स जो है जॉब को परफॉर्म करने के वो यहाँ पे बताएगा और यहाँ पे जो एम्प्लॉई है वो यहाँ पे लर्न करता है बाय डूइंग मतलब यहाँ पे सुपीरियर जो है वो यहाँ पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो है वो करने देते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय को मतलब एक्चुअली वो जॉब को परफॉर्म करके यहाँ पर ये देख पाते हैं कि उस एम्प्लॉय की जो लर्निंग है वो कितनी हुई है लर्निंग बाय डूइंग होता है कोचिंग मेथड के अंदर जिसमें यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो लर्न करते हैं अबाउट द जॉब बाय डूइंग दैट पर्टिकुलर जॉब वो यहाँ पे उस जॉब को परफॉर्म करके ये सीख जाते हैं कि कैसे उस जॉब को परफॉर्म करना है ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ दियर सुपीरियर्स जो उनको कोच कर रहे होते हैं यहाँ पर तो इसी मेथड को हम यहाँ पे कोचिंग बोलते हैं जिसमें यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लर्न कर पाते हैं बाय डूइंग तो अब यहाँ पे कोचिंग के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे ये वन टू वन होता है जिसमें यहाँ पे एक सुपीरियर जो है वो एक ही एम्प्लॉय को यहाँ पे कोच करेगा और यहाँ पर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पे ये एम्प्लॉय कर पाता है वो एक्चुअली उस जॉब को परफॉर्म कर पाता है उसी को हम यहाँ पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बोलते हैं जैसे यहाँ पे सुपीरियर ने इंस्ट्रक्ट किया वैसे ही यहाँ पे वो एम्प्लॉय जो है वो एक्चुअली उस जॉब को परफॉर्म कर पा रहा है तो जो कोचिंग मेथड है वो भी यहाँ पे इकोनॉमिकल होता है यहाँ पे जो वो एम्प्लॉय है वो जॉब को परफॉर्म कर पाता है जस्ट बाय कोचिंग लर्निंग बाय डूइंग से ही वो सीख जाता है कि जॉब को कैसे परफॉर्म करना है और यहाँ पे जो जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग हमने डिस्कस किया वो भी यहाँ पे एक इकोनॉमिकल मेथड ऑफ ट्रेनिंग है लेकिन यहाँ पर जे मेथड के अंदर यहाँ पर जो इसके ड्रॉबैक्स हैं वो ये हैं कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं ऐसा हो सकता है कि वो जो इक्विपमेंट्स हैं उनको डैमेज कर दें जब वो यहाँ पे उस टास्क को एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो वहाँ पे कुछ डैमेजेस जो हैं वो इक्विपमेंट्स को या फिर ऐसे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर दे जो कि डैमेज कॉज करे फ्यूचर में तो इसीलिए यहाँ पर जे मेथड के यही ड्रॉबैक्स हैं लेकिन ये मेथड जो है वो इकोनॉमिकल मेथड है इससे यहाँ पे कोई भी स्पेशलाइज ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पे एम्प्लॉय को नहीं देना पड़ता ऑर्गेनाइजेशन को सेम गोज विद द कोचिंग मेथड इसमें भी यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो जॉब को परफॉर्म करते हुए ही ये सीख जाते हैं कि उस जॉब को कैसे परफॉर्म करना है तो इसीलिए यहां पे ये दोनों ही मेथड्स जो हैं वो इकोनॉमिकल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो अब यहां पे जो नेक्स्ट मेथड ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग है वो है मेंटरिंग तो अब मेंटरिंग में यहां पे मेंटोर और मेंटी रिलेशनशिप होता है यहाँ पर ये यहाँ पर सीनियर मैनेजर्स हो सकते हैं या मैनेजर्स हो सकते हैं जो कि सीनियर द एम्प्लॉय होंगे और ये मेंटी जो है वो एक न्यू एम्प्लॉय हो सकता है या सबोर्डिनेट हो सकता है तो अब यहाँ पे मेंटोरशिप में एक सीनियर मैनेजर जो है वो एज़ मेंटोर एक्ट करता है मिनटी के लिए किसी एक न्यू एम्प्लॉय के लिए या सबोर्डिनेट के लिए तो अब यहाँ पे जो मैंटरिंग है वो फॉर्मल भी हो सकती है फॉर्मली भी परफॉर्म हो सकती है और इनफॉर्मली भी परफॉर्म हो सकती है जिससे यहां पे जो मेंटोर है वो मेंटी का जो मेचोरिटी है रिगार्डिंग द वर्क उसको वहां पे डेवलप करता है तो यहां पे जो मेंटी है वो मेचोरिटी गेन करता है कि कैसे वो यहाँ पे अपने वर्क को मेचोरली परफॉर्म करेगा कैसे ऑपरेशंस को वहाँ पे रिस्पॉन्सिबली परफॉर्म करेगा तो ये यहाँ पे जो सीनियर मैनेजर्स हैं जो एज मेंटोर एक्ट कर रहे हैं वो इंश्योर करते हैं तो इसी को हम यहाँ पे मेंटरिंग मेथड ऑफ ट्रेनिंग बोलते हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एक्चुअली जो सीनियर एम्प्लॉयीज़ हैं वो यहाँ पे ग्रूम करते हैं एक जूनियर एम्प्लॉय को तो इसी को हम यहाँ पे मेंटरिंग बोलते हैं नेक्स्ट मेथड है यहाँ पे अप्रेंटिसशिप अब इसमें यहाँ पे ये एक फॉर्मल मेथड ऑफ ट्रेनिंग है और इसमें यहाँ पे ये कुछ सिचुएशंस में कंपलसरी भी हो सकता है जिसमें यहाँ पे जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग होगा उसको यहाँ पे फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम अप्रेंटिसशिप जो है उससे गो थ्रू होना होगा तो अप्रेंटिसशिप मेथड ऑफ ट्रेनिंग के अंदर यहाँ पे जो ट्रेनिंग है उसको कंपल्सरीली ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम तक ट्रेनिंग जो है वो परफॉर्म करनी होती है तो इस मेथड के अंदर बेसिकली यहाँ पे एक गाइड या ट्रेनर जो है उसके अंडर यहाँ पे उस ट्रेनिंग को वर्क करना होता है यहाँ पे तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग का पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पे हाई होना चाहिए मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो इन्वॉल्व होना चाहिए उस ट्रेनिंग के अंदर उसका पार्टिसिपेशन यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए फॉर द प्रस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम उस एप्रेंटिस ट्रेनिंग को परफॉर्म करते हुए तो यहाँ पे वो जो ट्रेनी है वो यहाँ पे एक्सपीरियंसड गाइड या फिर ट्रेनर्स के साथ ट्रेनर्स के अंडर उस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को परफॉर्म करते हैं और इसमें यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के अंदर हम इंटर्नशिप से भी इसको समझ सकते हैं जॉब ट्रेनिंग्स को हम इंक्लूड कर देते हैं अकैडमिक स्टडीज़ के साथ मतलब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कंपलसरी होता है कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको कम्पल्सरीली जो इंटर्नशिप्स हैं कंप्लीट करनी होती हैं फॉर अ परस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम जिसमें वो यहाँ पे जॉब से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं जो थेरेटिकल नॉलेज उन्होंने गेन करी है कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर उसकी यहाँ पे जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको यहाँ पे ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो गेन कर पाएँ इसीलिए जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ पे कंपलसरी करते हैं इंटर्नशिप्स को जिसमें जो स्टूडेंट्स होंगे वो जो एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको गेन कर सकते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग है जॉब रोटेशन जिसमें यहाँ पे जॉब जो है उसका रोटेशन हो रहा है मतलब वो जो एम्प्लॉय अभी जो जॉब परफॉर्म कर रहा है तो अभी वो जो जॉब परफॉर्म कर रहा है उससे डिफरेंट जॉब्स वो परफॉर्म करता है यहाँ पर जॉब रोटेशन के अंदर सिमिलर जॉब के अंदर ही सिमिलर लेवल पर भी हो सकता है ये जॉब रोटेशन जिसमें यहाँ पे जिस लेवल पर वो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है उसी लेवल पर डिफरेंट जॉब्स यहाँ पे वो परफॉर्म करता है जिससे वो जॉब के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी लर्न कर पाता है तो इसी को हम यहाँ पे जॉब रोटेशन बोलते हैं यही यहाँ पे जॉब रोटेशन का पर्पस है कि जिस लेवल पे वो एम्प्लॉय अभी परफॉर्म कर रहा है ड्यूटीज़ वो अब यहाँ पे डिफरेंट जॉब को परफॉर्म करता है सेम लेवल पर ही जिससे वो यहाँ पे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब को लर्न कर पाता है तो यही यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स थे ऑन द जॉब ट्रेनिंग के तो अब हम यहाँ पे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स को डिस्कस करेंगे तो अब यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया था कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर यहाँ पे रियल वर्क सिचुएशन के अंदर यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम ट्रेन नहीं करते बल्कि यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन पर हम यहाँ पे एम्प्लॉयिज़ को ट्रेन करते हैं तो यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का वो है वेस्टिबल ट्रेनिंग जिसमें यहाँ पे रियल वर्क प्लेस जो है उसको क्रिएट करते हैं क्लासरूम के अंदर मतलब यहां पे रियल वर्क लाइक सिचुएशन जो है उसको क्रिएट करते हैं हम क्लासरूम के अंदर और उसी से यहाँ पे जो एम्प्लॉज हैं वो ये लर्न करते हैं कि यहाँ पे जब वो रियल सिचुएशन जो है वो अराइज होगी एक्चुअल वर्क प्लेस के ऊपर तो उनको कैसे एक्ट करना होगा उस सिचुएशन के अगेंस्ट तो इससे रिलेटेड यहाँ पे जो नॉलेज है उसको हम यहाँ पे डिलीवर करते हैं एम्प्लॉयज़ को तो इसीलिए यहाँ पे क्लासरूम के अंदर ही क्योंकि अभी ये यहाँ पर जो रियल वर्क सिचुएशन है उससे डिफरेंट लोकेशन पर ये परफॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे क्लासरूम के अंदर ही एक रियल वर्क लाइक सिचुएशन जो है उसको क्रिएट करते हैं ताकि इम्प्लॉइज़ जो हैं वो यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज जो है उसको गेन कर पाएँ क्लास के अंदर ही तो यहाँ पर जो ड्यूरेशन होता है वर्स्टिबल ट्रेनिंग का वो है यहाँ पर फ्यू डेज टू फ्यू वेस्टिबल ट्रेनिंग के अंदर यहां पे रियल वर्क लाइक सिचुएशन जो है वो हम क्लासरूम में ही क्रिएट करते हैं जिसमें यहाँ पे एम्प्लॉयज है वो उन्हीं सिचुएशन से ये लर्न करते हैं कि यहाँ पे जब एक्चुअली वो सिचुएशन अराइज होगी रियल वर्क प्लेस पर तब उनको कैसे एक्ट करना होगा नेक्स्ट है यहाँ पे रोल प्लेइंग तो अब यहाँ पे रोल प्लेइंग के अंदर लेट्स से अगर यहाँ पे थ्री डिफरेंट ट्रेनीज हैं तो उन डिफरेंट ट्रेनीज को यहाँ पे डिफरेंट रोल्स जो हैं वो असाइन हो जाते हैं मतलब यहाँ पे एक ट्रेनी को एज मैनेजर एक्ट करना है एक ट्रेनी को यहाँ पे एज सबोर्डिनेट एक्ट करना है और जो थर्ड ट्रेनी है यहाँ पे उसको यहां पे एज सीनियर मैनेजर एक्ट करना है और यहां पे एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन जो है वो यहाँ पे दी है इन एम्प्लॉयज़ को इन ट्रेनीज को कि यहाँ पे इनको ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन जो है उसको हैंडल करना है तो अब यहाँ पे ये जो ट्रेनी है उसको यहाँ पे एक मैनेजर का रोल प्ले करना है इसको यहाँ पे एज़ सबोर्डिनेट एक्ट करना है कि कैसे वो यहाँ पे एक्ट करेगा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन के अंदर और इस एम्प्लॉय को एज सीनियर मैनेजर वो सिचुएशन को हैंडल करना है तो यहाँ पे रोल प्लेइंग के अंदर यहाँ पे डिफरेंट रोल्स जो हैं वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड सिचुएशन के अंदर दे दिए जाते हैं असाइन कर दिए जाते हैं डिफरेंट ट्रेनिंगज़ को और उनको यहाँ पे एक्ट करना होता है और वहाँ पे हैंडल करना होता है उस गिवन सिनेरियो को तो इसी को हम यहाँ पे रोल प्लेइंग कहते हैं जिससे यहाँ पे वो जो एम्प्लॉयीज़ हैं वो ये लर्न करते हैं कि उनको कैसे वहाँ फ्यूचर में जो सिचुएशन अराइज़ होंगी रियल वर्क प्लेस पर उनको वह हैंडल करेंगे तो इसीलिए रोल प्लेइंग के अंदर वहाँ पे एम्प्लॉयिज़ को थ्रू रोल प्लेइंग हम ये बताते हैं कि उनको कैसे एक सिचुएशन को हैंडल करना होगा और वो कैसे उस सिचुएशन में एक्ट करेंगे नेक्स्ट मेथड है यहाँ पे तो ये सिंपल मेथड है इसमें यहां पर जो ट्रेनर्स हैं वो यहां पे लेक्चर्स डिलीवर करते हैं ट्रेनीज को और यहाँ पे उसी लेक्चर को अटेंड करके यहाँ पे वो जो ट्रेनीज़ हैं वो यहाँ पे डिफरेंट स्किल्स को लर्न कर पाते हैं उसी लेक्चर मेथड के थ्रू जिसमें यहाँ पे ट्रेनर्स जो हैं वो लेक्चर्स डिलीवर करते हैं नेक्स्ट मेथड है यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो सकता है डिस्कशन हो सकता है जिसमें यहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं वो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं कॉन्फ्रेंस के थ्रू यहाँ पे ट्रेन करते हैं इम्प्लाइज को डिस्कशन होता है वहाँ पर कि यहाँ पे क्यू एन सेशन हो सकता है जिसमें यहाँ पे जो ट्रेनिज हैं वो यहाँ पे क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो सीख कर सकते हैं ट्रेनर्स से और यहाँ पे प्रोग्रामड इंस्ट्रक्शन का भी मेथड हो सकता है तो अब यहाँ पे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के अंदर यहाँ पे डिफरेंट सिक्वेंशियल यूनिट्स होते हैं जिनसे गो थ्रू होना होता है वहाँ पे उस ट्रेनिंग को और इन्हीं यूनिट से गो थ्रू होकर लर्न करना होता है डिफरेंट स्किल्स और नॉलेज को और यहाँ पे इस प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे हर यूनिट के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चनस होते हैं कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जिनको यहाँ पे आंसर करना होता है उसी यूनिट से रिलेटेड और उनको आंसर करने के बाद यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो प्रोसीड करता है टू द नेक्स्ट यूनिट जिससे यहाँ पे हम ये जज कर सकते हैं कि एम्प्लॉय की जो ट्रेनी है उसने कितना लर्न किया है उस एक पर्टिकुलर यूनिट से इसी को हम यहाँ पे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं जिसमें यहाँ पे डिफरेंट सिक्वेंशियल यूनिट्स जो है उनसे गो थ्रू होना होता है एम्प्लॉई को और इसमें यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट के मेथड्स भी होते हैं तो अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है यहाँ पे ई e लर्निंग का या कम्प्यूटराइज लर्निंग का जिसमें यहाँ पे कंप्यूटर्स में ही ऐसे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिससे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो है वो सेल्फ पेज लर्निंग कर सकते हैं वो यहाँ पे कंप्यूटराइज लर्निंग के थ्रू ही नॉलेज एंड स्किल्स को गेन कर सकते हैं तो यही यहाँ पे डिफरेंट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स थे तो आई होप आपको यहाँ पे ट्रेनिंग से रिलेटेड जो डिफरेंट मेथड्स हैं जो टाइप्स हैं वो समझ में आए होंगे तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे और हम यहां पे डिफरेंसेस को भी देखेंगे कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू